हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आप सबके लिए कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है कि एक हीटर एलिमेंट है नाइक्रोम का, ठीक है, उसका प्रतिरोध जो है यानी उसका रेजिस्टेंस जो दिया है 2 ओम पर मीटर दिया है, और 1 किलोवाट का हमें हीटर बना रहा है, 200 वाट उसकी उसको सप्लाई दी जाती है। तो हमें हमारा उस 1 किलोवाट का तुम्हें हीटर बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, नाइक्रोम का तार आपको पता ही है, हीटिंग एलिमेंट होता है ये, जो आपके प्रेस हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, इनमें यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, हमें दिया है कि 1 मीटर में 2 ओम का रेजिस्टेंस होता है, तो हमें इसलिए हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि 1 किलोवाट का बनाने के लिए हमें कितने रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो जो इसमें हमें क्या दिया है, पी की वैल्यू दी है 1000 वाट, 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट पी यानी 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। ठीक है, और वी दिया है 200 वाट, 200 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, आर, हमें पता है पी बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी 200 मल्टीप्लाई इंटू 200 अपॉन पी, पी कितना है 1000। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और कितना बचेगा, 20 दूनी 40, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया हमारा कितना आ गया, 40 ओम। ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया हमारा वो आया हमारा 40 ओम। ठीक है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मीटर में कितने ओम है, 2 ओम है। ठीक है, तो 40 ओम करने के लिए हमें कितने मीटर करना पड़ेगा, तो 20 मीटर करना पड़ेगा, 20 मीटर बराबर 2 की गुणा 20 से करोगे तो तब 40 मीटर होगा, तो यानी 20 मीटर जब। ठीक है, तो टोटल जो इसका आंसर होगा कितना होगा, 20 मीटर हमें हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत होगी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तार की लंबाई को हमने दुगना कर दिया और क्षेत्रफल को 1/4 कर दिया, तो उसका प्रतिरोध पहले से कितना होगा। ठीक है, आपको पता है एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब वो बोल रहा है कि हमने लंबाई को दुगना कर दिया, तो जो हम सेकंड रेजिस्टेंस बनेगा आर डैश ले लेते हैं उसको। ठीक है, रो रेजिस्टेंस को दुगना कर दिया तो 2L हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल को हाफ कर दिया। ठीक है, ये था ना। ठीक है, क्षेत्रफल को हाफ कर दिया यानी इसको ए ले लेते, तो 1/4, हाफ मतलब 1/4 कर दिया, 1/4, तो ए 1/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा ऊपर। अगर हम इसके नीचे ए लिखेंगे, 1/4 यानी 4 कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में ऊपर, तो ये क्या बन गया। ठीक है, अब हमें निकालना कि उसका प्रतिरोध पहले से क्या होगा, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले, आर डैश अपॉन आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो 4 दूनी 8, ठीक है, 4 2 जा 8, और एल, ठीक है, अपॉन ए, ठीक है, अपॉन ए। वैसी आर की वैल्यू क्या होगी, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा आर डैश अपॉन आर इजकल टू 8/1। ठीक है, 8/1, तो अगर हम यहाँ से आर डैश की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, आर की मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 8R। ठीक है, तो कितना आएगा, अब न्यू जो रेजिस्टेंस है, हमने न्यू रेजिस्टेंस आर डैश माना था, वो पहले रेजिस्टेंस के 8 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा राइट आंसर 8 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओम का जो नियम है किस किस में लागू होता है, केवल डीसी में, केवल एसी में, या एसी डीसी दोनों में। तो आपको सबको पता होगा एसी डीसी दोनों पे वर्क करता है ओम्स लॉ। ठीक है, जो नेक्स्ट एमसीक्यू जो बनता है इसमें, जो एक रेजिस्टेंस है, एमसीक्यू नहीं है, एक सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, एक सर्किट दिया है, इसको सॉल्व करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आप सबको पता होगा ये एक सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, इसको सॉल्व करना है, तो हमें पता है हम इसको जो सर्किट टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, तो इसको पीछे से सॉल्व करते हैं। देखो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है, आपस में सीरीज में, तो आपको पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ओम। तो ये आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे
दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 20 ओम हो गया। ठीक है, अब 20 ओम और 20 ओम, देखो यहाँ से अगर करंट जाएगी तो यहाँ भी बढ़ जाएगी, यहाँ पे, तो मतलब इसका ये पैरेलल में है। ठीक है, और पैरेलल के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, 2 1/R1 +1/R2। ठीक है, तो 1/20 +1/20, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/20। ठीक है, इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10, यानी अब अगर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ठीक है, तो इसको, इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ गया, आर की वैल्यू 10 आ गई, कितना आ गई, आर की वैल्यू 10। ठीक है, अब आपको बताइए ये भी और ये भी और ये जो पूरा सर्किट है यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो कितना हो गया, 30 ओम हो गया। ठीक है, तो इन सबको मिला के कितना हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से करंट जाएगी तो कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो आपको पता है जब भी दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो पैरेलल में होंगे तो हाफ हो जाएंगे, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा आपका क्या बनेगा, एक मिनट, ठीक है, तो जो ये रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें आपका रेजिस्टेंस आएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, 30, ये भी 30 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 ओम, तो ये 15 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसको और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 15 ओम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या होगा, और वो किसके, 10 ओम के सीरीज में होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 15 + 10, सीरीज में हम ऐसे ऐड करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो जाएगा कितना जाएगा, 25 ओम। ठीक है, उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आया आपको समझ है, पहले हमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ा तो 20 हो गया, 20 के 20 से पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 20 20 का हाफ कितना हो गया, 10 हो गया, 10 10 10, ये तीनों तीन तीनों के में हो जाएंगे, सीरीज में जाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 इसके सीरीज पैरेलल में होगा तो कितना हो जाएगा, 15 15 20 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यानी यहाँ पे वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है टोटल वोल्टेज वोल्टेज निकालने के लिए क्या हमें करंट चाहिए होगी, पहले टोटल करंट निकालने, तो टोटल करंट का फॉर्मूला होता है V/R। ठीक है, V हमारे पास 6 है और R हमारे पास कितना है, पहले हमें R निकालना पड़ेगा टोटल, तो 2.2 + 3.2, और इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो 2 और 2 का हाफ कितना होगा, 1, तो 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 और 1 4 1 2 6, 6.4। ठीक है, तो अगर हम इस सब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो वी हमारे पास 6 और आर कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस 6.4। ठीक है, इस पॉइंट को हटाने के लिए 0 लेंगे तो 60/64 हो जाएगा, 60/64, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 60/64 यानी इसको डिवाइड करेंगे तो जो करंट आएगी, अब आर आएगी, आई बराबर 0.937। ठीक है, इतनी आएगी लगभग, तो इसको आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट आ गई हमारी इतनी, तो अब हम क्या है, अब हमें पता है इस जो पूरे सर्किट में करंट है कितनी, 9.937, ठीक है, लगभग इतनी है। ठीक है, 0.93 ले लेते हैं, और वोल्टेज है हमारे पास, और यहाँ पे हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, आई हमें पता है, और इसमें यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस हमारा 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, यानी वह 2 और 2 का कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, तो वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V=I×R। ठीक है, आई हमारे पास 0.93 और आर हमारे पास कितना, 1। ठीक है, आर कितना, 1, तो इसका आंसर जो इस यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0.93 वोल्ट, इसका यहाँ पे वो आ जाएगा क्या, वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आएगी आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे जो वोल्टेज आ गई वो आपकी आ गई 0.93। ठीक है, वोल्टेज जो आ जाएगी 0.93 वोल्ट। ठीक है, करंट आपकी 0.93 है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो 0.93 वोल्ट इसकी वोल्टेज आ गई, तो यहाँ पे कितनी होगी, 0.93 वोल्ट, 0.93
वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज होगी, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। 2.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हमारी करंट आई, तो करंट 0.93 आई है, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी, यहाँ पे भी वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, हमें पावर निकालनी है। पावर निकालने के लिए आपको पता है पी बराबर होता है, निकालने पी बराबर वी इंटू आई होता है, ठीक है। अब हमारे पास वोल्टेज तो है मगर करंट नहीं, तो पहले सबसे पहले करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, वी हमारे पास है 12 और आर हम निकाल लेंगे, तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे 6.8 और 4.7 और 10 और 10 को हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सबको प्लस करते हैं तो कितना आएगा देखते हैं, ठीक है। तो जो आर आएगा इन सबको प्लस के, वो आएगा आपका कितना, आर आएगा यहाँ पे 16.5। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, तो इस यहाँ पे जो करंट आएगी इसको डिवाइड करेंगे अब हम, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे इसे हम 12, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 16.5, 16.5, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा 0.7 कुछ आएगा पॉइंट, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे आई बराबर, तो इसको सॉल्व करके आई बराबर आएगा 0.72, ठीक है, एम्पियर। तो जो टोटल करंट आएगी हमारी वो आएगी आई बराबर 0.72 एम्पियर, ठीक है। इतनी हमारी टोटल करंट आ गई। अब हमें पावर का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। वी इंटू आई, वोल्टेज हमारे पास 12, ठीक है, ये वोल्टेज दे रखी है ना 12, ठीक है, और करंट हमारा है 0.72, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 8.72, 8.72, ठीक है। तो इनकी जो आंसर आएगा हमारा 8.72, ठीक है, 8.72 वाट, ठीक है। तो पावर ये आ जाएगी आपकी इस कैलकुलेट करके, तो क्वेश्चन आया होगा समझ में। पहले हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला, पहले करंट निकाली आई बराबर वी अपॉन आई, वी 12 दे रखा था और आर हमने टोटल रेजिस्टेंस लग दिया, ठीक है। फिर वहाँ से हमने पी बराबर वी इंटू आई, वी हमारे पास 12 है और आई कितना है 0.72, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एक डायग्राम दिया है हमें, यहाँ पे करंट निकालनी है आई, आई बराबर होता है वी ओपन आर, वोल्टेज हमारे पास 2, रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। देखो जब आप देखोगे यहाँ से करंट जाएगी, तो करंट जाएगी तो यहाँ पे डिवाइड होगी दोनों में, ठीक है, इस वाले में इस वाले में, तो यहाँ से जो करंट आएगी, ठीक है, और ये देखोगे आप ये दोनों क्या है सीरीज में, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 किसके पैरेलल में है 3 के, तो अगर इनको हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो 1/3 + 1/6, ठीक है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 2 2 1 3, 3/6, 3/6 यानी 1/2, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो आर आ गया हमारा 2, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूले में रखेंगे तो आई बराबर वी कितना हमारे पास 2 और आर भी हमारे पास 2, तो कितना आ गया एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है। कि अगर हमने ये दोनों सीरीज में, तो 3 और 3 6 हो गए, 6 इसके साथ पैरेलल में, तो 1/3 + 1/6 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3/6 यानी 1/2, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारा 2 आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और वहाँ से फिर आई निकाल लेंगे, ठीक है, वी ओपन आई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सर्किट में दिख रहा होगा, ठीक है। ए और बी के अक्रॉस हमें क्या निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा अगर यहाँ से कोई करंट जाएगी तो वो डिवाइड होगी यहाँ यहाँ इस वाले में, ठीक है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे सीरीज में और ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ठीक है, और वो उसके हो जाएंगे पैरेलल में, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हो जाएंगे 7 और 3, 7 और 3 कितने हो गए, 7 और 3 हो गए 10, ठीक है, ये हो गया 10, और ठीक है सीरीज में तो 10 हो गए, और 10 और 10 आपस में पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, हाफ हो जाता है, ठीक है, 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर 5 और 3 ये 5 हो जाएगा, तो
तो 5 और ये 3 के आपस में 8 हो जाएंगे पैरेलल में, ओ सीरीज में, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, तो ये 5 ये 3 ये है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 इसके पैरेलल में है, तो 8 और 8 आपस में पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4, ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, आर बराबर 4 ओम, ठीक है, तो टोट इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, आया समझ में, 7 और 3 10, ठीक है, और 10 इसके पैरेलल में, तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 इसके पैरेलल में, तो 8 और 8 पैरेलल में गए तो 4 आ जाएगा, हाफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी, 10 वोल्ट, हमें निकालनी है यहाँ पे वोल्टेज 4 ओम के अक्रॉस, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें करंट निकाल लेते हैं, हमको पता है आई बराबर होता है वी अपॉन आर, ठीक है, वी हमारे पास कितना है 10, और आर कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में देखो तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1 कितना होता है 5, तो कितना आ जाएगा 2, आई हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, यानी यहाँ से जो करंट जाएगी वो होगी 2 एम्पियर, ठीक है, अब 2 एम्पियर जब जाएगी 4 किलो ओम से, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी तो कितनी होगी, फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि तो करंट सेम होगी, ठीक है, करंट सेम होगी तो 4 मल्टीप्लाई 2, क्यों क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर, तो आई हमारा 2 है, आर है 4, तो कितना आ गया 8, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी कितनी आएगी, 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, टोटल वोल्टेज, ठीक है, तो हम इसको ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओरली सॉल्व कैसे करेंगे, ये पैरेलल में है तो 10 और 10 पैरेलल में है, तो कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है 5, 20 और 20 आपस में क्या है, पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 15, ठीक है, तो आपको पता है फिर जब भी करंट जाएगी तो ये दोनों जो 15 और 5 होंगे तो सीरीज में हो जाएगी, ठीक है, जो करंट जाएगी ऐसे जाएगी तो सीरीज में हो गए, तो 15 और 5 कितना हो गए, 20, और ये हो गया, और इधर है 10, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा कितना, 15 और 5 20, और यहाँ हो जाएगा 10, तो ये दोनों आपस में फिर पैरेलल में होंगे, क्योंकि देखो करंट जाएगी तो क्या होगा, यहाँ और यहाँ पैरेलल में, ठीक है, डिफरेंट होगी करंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा, यहाँ तो हो गया 10 और यहाँ हो गया 15 5 20, 1/20, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या होगा, 2 2 1 3 3/20, तो आर की वैल्यू जो होगी आर हो जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा तो 20/3, ठीक है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा 20/3 ओम, इसको सॉल्व कर लेंगे 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, यही हमारे थोड़े बहुत एमसीक्यू थे, आई होप आपको पसंद आए, और लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस, ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूँगा, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स।